झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, कमोडिटी मार्केट वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। ये हफ्ते की बात करें तो बुलियन के अंदर हमने एक अच्छा खासा मूव बनते हुए देखा। करीबन बुलियन इंडेक्स में हमने 2.5% की तेजी आते हुए देखी शॉर्ट कवरिंग के चलते, जिसके तहत गोल्ड में हमने 2% की तेजी और चांदी में करीबन 1.5% की तेजी बनते हुए देखी। हमने देखा जिस ढंग से जियोपॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। इसी के तहत हमने गोल्ड को 1900 का लेवल भी ब्रीच होते हुए देखा। रशिया यूक्रेन के बीच में तनाव पिछले एक हफ्ते से बना हुआ है, बीच में नो डाउट कुछ एस्केलेशंस कम होने की उम्मीद थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और हमने देखा मार्केट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया। जैसे कि ये शॉर्ट कवरिंग है तो हमें उम्मीद है कि ये रैली और पिकअप कर सकती है। रिसेंटली हमने 50,400 का ही हाई देखा है, बट कहीं ना कहीं अब ये प्राइजेस 51,500 से 51,800 का भी लेवल दिखा सकता है। वहीं चांदी, जनरली हम देखते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन के टाइम पे चांदी थोड़ी कम बढ़ती है, तो चांदी में भी हमने देखा 1.5% की तेजी थी। ओवरऑल हमें लगता है चांदी में भी तेजी का रुख कायम रहेगा जब तक 63,600 के ऊपर प्राइजेस मेंटेन रहती है। हायर साइड पे हमें लगता है 65,500 तक का लेवल दिखा सकता है। तो अगले हफ्ते के लिए वॉलिटिलिटी रहेगी जरूर, बट सोने और चांदी में लेके चलिए। नो डाउट मार्च में इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती है यूएस से, जिसके चलते बार बार में हायर लेवल से एक कैप दिखाई देता है। बट ध्यान रखिए ऑलरेडी थिंग्स हैव बीन डिस्काउंटेड, इन्फ्लेशन अपने चरम पे है, जिसकी वजह से गोल्ड में कंटिन्यू बाइंग है, फिजिकल बाइंग भी कंटिन्यू दिखाई दे रही है। वहीं एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे एनर्जी इंडेक्स के अंदर हमने 3% की तेजी बनते हुए देखी। जहाँ क्रूड ऑयल के अंदर तो हमने हायर लेवल से वापस बिकवाली बनते हुए देखी, बट नेचुरल गैस यूरोपियन कंसर्न के चलते 14% की जबरदस्त तेजी दिखाता हुआ दिखाई दिया। क्रूड के अंदर हमने देखा कि नो डाउट यूक्रेन और रशिया को लेके कंसर्न्स थे जो प्राइजेस को सपोर्ट भी किए, और हायर साइड में हमने 7200 तक के भी लेवल देखे। बट एक तरफ आप देखिए इन्वेंट्री बढ़ रही है, ईरान का जो प्रोडक्शन है वो मार्केट में फिर से आना चालू रहेगा, साथ में ओपेक मेंबर्स भी अपने प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं। इन सबको देखते हुए लगता है कि हायर लेवल पे प्राइजेस में प्रेशर बनेगा, जिसके चलते क्रूड में बिकवाली का रुख कायम रहेगा अगले हफ्ते भी। लॉन्ग लिक्विडेशन के चलते हमने करीबन 2.5% की गिरावट देखी है। टेक्निकली अगर हम देखें तो 6700 के नीचे काउंटर वीक है, जो 6500 से 6400 तक के भी लेवल दिखा सकता है। नेचुरल गैस में डिमांड थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई है, पोलर वर्टेक्स के चलते एज ऑफ नाउ मार्केट में सप्लाई नहीं आ पा रही है, और डेटा को देखते हुए लगता है कि प्राइजेस ये हफ्ते में भी तेजी का रुख रहेगा। टेक्निकली थोड़ा पुल बैक अगर मिलता है 330 के करीब लेके चलिए, 350 से 356 तक का टारगेट हम देख पाएंगे। वहीं अंत में अगर पूरे बेस मेटल पैक की अगर बात की जाए तो पूरे बेस मेटल पैक के अंदर हमने एक मिला जुला ट्रेड होते हुए देखा, जहाँ कॉपर, जिंक और लेड में तो हमने गिरावट देखी, वहीं निकल और एल्यूमिनियम यहाँ पे हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी, क्योंकि निकल रशिया से काफी कनेक्ट करता है और हमने देखा सप्लाई डिस्टर्बेंस के चलते 2.5% की तेजी हमने निकल में और एल्यूमिनियम में बनते हुए देखी। ओवरऑल चाइना मार्केट में कहीं ना कहीं पैसा पंपिंग किया जा रहा है, इन्वेंट्रीज लो है, जिसके चलते मार्केट कंटिन्यू तेजी का ही रुख रहेगा। तो अगले हफ्ते के लिए कॉपर पे ध्यान रखिए, 755-756 के करीब लेके चलिए, 770 तक का टारगेट रहेगा, 70 के ऊपर अब नई तेजी देखेंगे। जिंक 294 से लेकर 300 के बीच में ट्रेड करेगा, बट ट्रेंड पॉजिटिव। बट आपको ध्यान देना है निकल पे, यहाँ पे हमें लगा है कि 810 के ऊपर 840 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। एल्यूमिनियम में भी 265 के टारगेट के लिए हम लेके चल सकते हैं। लेड में थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए, बट 82-83 के करीब मिले लेके चलिए, 85 के ऊपर काउंटर बुलिश है, जो 188 तक का टारगेट दिखा सकता है। धन्यवाद। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।